तब हम आदिवासी झारखंड में या बाकी बंगाल बिहार उड़ीसा असम आदि में कैसे बचेंगे। तो हमारे लिए जेएमएम के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई सामाजिक और राजनीतिक लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पावर है। आदिवासी संघल अभियान एक सोशल फ्रंट है। तो हमको इस समय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है। द्रौपदी जी से हम लोग 26 अगस्त 2022 को मिले, सारी बातें उनके सामने हमने रखा है और उनकी भी इच्छा है कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करें। और बातचीत इसलिए भी जरूरी है, नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किया, द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद में बैठाने का, और जरूर उनकी राजनीतिक आकांक्षा होगी कि झारखंड, बंगाल और बिहार इन तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी का डंका झारखंड में दुनिया में खूब बज रहा है, लेकिन झारखंड आते आते यह डंका फूस हो जाता है। तो झारखंड में बीजेपी इतनी लाचार कमजोर क्यों है? तो मेरी समझ से इसके दो प्रमुख कारण है। एक कि झारखंड बीजेपी जो संगठन है, संगठन मजबूत है, लेकिन इसके मुद्दे नहीं है आदिवासी मुद्दे। इसके पास डोमिसाइल का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, नियोजन का मुद्दा, सरना धर्म कोड का मुद्दा, संताली को झारखंड में प्रथम राजभाषा बनाने का मुद्दा, सीएनटी एसपीटी कानून को लागू करने का मुद्दा, विस्थापन प्लान को कम करने का मुद्दा, ये सब मुद्दा नहीं है। इनका मुद्दा क्या है? विकास। और आदिवासी मूलवासी के लिए विकास माने विस्थापन और पलायन, अर्थात विकास का मतलब विनाश है। तो बीजेपी संगठन को यहाँ झारखंडी लोग अर्थात आदिवासी मूलवासी विनाशकारी संगठन के रूप में देखते हैं। दूसरा कारण है कि मान्यवर बाबूलाल मरंडी जी, अर्जुन मुंडा जी, कड़ियाम मुंडा जी और भी बहुत सारे जो आदिवासी नेता है बीजेपी के, इनकी पहचान सीएनटी एसपीटी कानून बचाने, सरना धर्म कोड को लागू करने, विस्थापन पलायन रोकने, डोमिसाइल आरक्षण नियोजन आदि को लागू करने कहीं नहीं है। इनका भी पहचान बीजेपी के पद पोस्ट के कारण है। जनता के बीच में, खासकर आदिवासी जनता के बीच में, इनकी पहचान आंदोलन और आदिवासी के दिल के धड़कन के साथ नहीं है। तो बीजेपी यहां सचमुच लाचार कमजोर है। और इसीलिए अभी भी यदि एक महीना दो महीना के बाद इलेक्शन हो जाए फिर जेएमएम जीतेगी, ये जीत नहीं सकते हैं। तो हमने ऐसा प्लान बनाया है कि हम नरेंद्र मोदी साहब से बात करेंगे, उनको कोशिश करेंगे समझाने कि हम आदिवासियों को भी बचना है ये शिबू सोरेन खानदान से, और बीजेपी को भी यहां आगे बढ़ना है तो आदिवासी के लिए आपको बोलना होगा, सरना धर्म कोड का मान्यता देना होगा, और हम पूरी तरह आपको आदिवासियों की तरफ से सहयोग करेंगे। तो पॉलिटिकली आपको भी गेन होगा और सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली आदिवासी को भी गेन होगा। इसी रणनीति पर हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं और हम और हमारे साथी बिल्कुल तैयार हैं बीजेपी को साथ देने के लिए, बीजेपी में शामिल होने के लिए, बशर्ते नरेंद्र मोदी साहब सरना धर्म कोड की मान्यता का संकेत दे या फैसला करें। अन्यथा हम लोगों ने फैसला लिया है 30 नवंबर 2022 को 5 राज्य झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम में सुबह से शाम तक रेल और रोड चक्का जाम करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।